भारत और इंग्लैंड के बीच खेला जा रहा पिंक बॉल टेस्ट मैच का पहला दिन पूरे तरीके से शानदार बीत रहा है। जी आपको बता दें कि इंग्लैंड को 112 रनों पर समेटने के बाद भारतीय टीम की तरफ से रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने भारतीय टीम को एक तूफानी शुरुआत दिला दी है, जिसके बाद अब ऐसा लग रहा है कि भारतीय टीम अंग्रेजों पर पूरे तरीके से चढ़ बैठी है। बड़ी बात यह है कि फिलहाल भारतीय टीम की तरफ से शुभमन गिल और रोहित शर्मा शानदार बल्लेबाजी करते हुए अंग्रेजों को मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं, जिसकी बदौलत अब ये साफ नजर आ रहा है कि टीम इंडिया फिलहाल इस गेम पर अंग्रेजों पर चढ़कर बैठी हुई है। आपको बता दें कि 12वें ओवर में रोहित शर्मा का भयंकर तूफान देखने को मिला। रोहित की तूफानी बल्लेबाजी का मुआयना पूरे तरीके से इंग्लिश टीम ने भी देखा। जिस तरीके से रोहित शर्मा तूफानी बल्लेबाजी कर रहे थे, उसका कोई जवाब नहीं था। शुरुआत में 10 ओवर तक तो रोहित और शुभमन गेंद को मार मार के पुराना कर रहे थे, जिसके बाद रोहित शर्मा का भयानक तूफान देखने को मिला। उन्होंने जोफ्रा आर्चर के पहले ही ओवर में 3 चौके बटोर कर भारतीय टीम को एक रिलैक्स होने का मौका दे दिया। फिलहाल भारतीय टीम बहुत ज़्यादा पीछे नहीं है अंग्रेज़ों के स्कोर से। अभी फिलहाल 70 रन का ट्रायल और बचा है और भारत के पूरे के पूरे 10 विकेट फिलहाल सुरक्षित हैं। रोहित और शुभमन शानदार बल्लेबाजी कर रहे हैं और धीरे धीरे भारत के स्कोरबोर्ड को आगे बढ़ा रहे हैं। जोफ्रा आर्चर ने पहले मैच में रोहित शर्मा का विकेट चटका कर काफ़ी बड़ी खुशी जाहिर की थी, जिसके बाद रोहित शर्मा का मूड खराब हुआ और वो अपने ताव में ज़बरदस्त बल्लेबाजी करने लगे। हम ये कह सकते हैं कि फिलहाल हिटमैन का एक खतरनाक अंदाज देखने को मिल रहा है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि किस तरीके से हिटमैन अपनी खतरनाक बल्लेबाजी से अंग्रेज़ों को और ज़्यादा मुंहतोड़ जवाब देते हैं। दूसरे टेस्ट मैच में रोहित के शतक के बाद अंग्रेज़ों की टीम वैसे भी डरी हुई है। अब ये भी एक देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से टीम इंडिया इस मैच में अप्रोच करती है। अगर भारत ने बड़ा स्कोर बोर्ड पर लगा दिया तो अंग्रेज़ों को पारी से भी हरा सकते हैं। हालांकि इस विकेट पर उतना स्पिन नहीं है जितना हमने यहाँ पर स्पिन एक्सपेक्ट किया था, लेकिन इस विकेट पर शानदार तरीके से बल्लेबाजी अगर बल्लेबाज करते हैं तो रन्स हैं। आपको टाइमिंग पर ध्यान देना होगा। ट्वाइलाइट पे रोहित और शुभमन काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से जोफ्रा आर्चर की गेंदों की धज्जियां उड़ाई हैं रोहित शर्मा ने, उस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि जोफ्रा आर्चर अब पूरे तरीके से सिर पकड़ कर बैठ गए होंगे। ANP न्यूज़ रूम की रिपोर्ट।